आज मैं सर्दियों की बहुत ही खास पालक मटर की सब्जी बनाने जा रही हूँ। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और डिलीशियस है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। पालक मटर बनाने के लिए मैंने पालक की एक गड्डी ली हुई है। अब हम इसको कट कर लेते हैं और कट करके इसको 3 से 4 बार अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे, जिससे हमारी पालक है वो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। मैंने कढ़ाई में 1 टेबलस्पून सरसों का तेल डाल दिया है। ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें 2 स्पून साबुत धनिया, 2 हरी इलायची, 7 से 8 काली मिर्च, 5 से 6 लौंग और 1 तेज़पत्ता डाल देती हूँ। और साथ में डालेंगे 1 टीस्पून धनिया, थोड़ा सा गार्लिक, थोड़ा सा जिंजर, मैंने 2 मीडियम साइज का प्याज लिया था, इसको हमने लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया। इसके साथ डालेंगे हम हरी मिर्च। ये देखिए हमारा जो प्याज है वो अच्छी तरीके से भुन करके तैयार हो गया है। चलिए गैस को ऑफ करते हैं, एक मिक्सी के जार में इसको पीस लेते हैं और एक महीन पेस्ट तैयार कर लेते हैं। मैंने कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें जीरा डाल देती हूँ, 1 पिंच हींग। अब हम कुछ मसाले डाल देते हैं, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला। मैंने जो पेस्ट तैयार किया था वो इसमें डाल देती हूँ ऑयल में, और अच्छे से इस मसाले को भून लेती हूँ। हम मसाले को कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर भूनेंगे। ये देखिए हमारा मसाला है वो बहुत अच्छी तरीके से भून चुका है, ऑयल रिलीज हो चुका है साइड से। अब मैं इस स्टेज पर बॉइल की हुई मटर डाल देती हूँ। इसको मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ में डाल देंगे हम कटी हुई पालक और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं। अभी तक मैंने नमक नहीं डाला है। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और मैंने फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखा है। चलिए अब हम लो फ्लेम पे इसको 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर देते हैं, जिससे हमारी जो पालक है वो मसाले के साथ अच्छी तरीके से कुक हो जाए। चलिए चेक कर लेते हैं। वाह, हमारी पालक और मटर की सब्जी बहुत ही यम यम बन करके तैयार हो गई है। चलिए अब हम लास्ट में डाल देते हैं फ्रेश कटी हुई हरी धनिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए गैस को ऑफ कर देते हैं और गर्मा गर्म सब्जी को सर्व करते हैं। जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। हैप्पी कुकिंग।